हिसार और हरियाणा की ताजातरीन खबरें जानिए अब अपने मोबाइल पर। डाउनलोड करें हमारा ऐप हिसार टुडे, तो बदलते रहें समय के साथ। हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूं दीक्षा पवार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिसार टुडे का अनुमान निकला सही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं की नई पार्टी की घोषणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा महापरिवर्तन रैली में दिखाए बगावती तेवर, लेकिन ने नई पार्टी की घोषणा की और न ही किसी दल में शामिल होने की बात कही। सौ घोषित सीएम उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषणों में नहीं दिखा जोश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही पार्टी के सोच की उड़ाई धज्जियां। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर ही कसा तज, कहा कि पार्टी मुद्दे से भटक गई और कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। नई पार्टी के ऐलान का गेंद अपने ही समर्थित विधायकों के पाले में डालकर हुड्डा ने कहा, जो वो निर्णय लेंगे वो होगा मंजूर। हिसार टुडे का अनुमान निकला सही, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महापरिवर्तन रैली में नई पार्टी बनाने की घोषणा नहीं की। हुड्डा ने घोषणाओं की बरसात कर खुद को सौ घोषित सीएम उम्मीदवार बताकर कहा, उनके द्वारा बनाई गई कमेटी एक हफ्ते में जो निर्णय देगी उसके अनुसार वह अपने भविष्यगामी फैसले की घोषणा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रविवार को आयोजित परिवर्तन महारैली में बगावती तेवर तो नजर आए, लेकिन न उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की और न ही किसी दल में शामिल होने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी पर फैसले को लेकर 13 मौजूदा कांग्रेस विधायकों एवं 12 अन्य वरिष्ठ नेताओं की कमेटी चंडीगढ़ में निर्णय लेगी और इसी निर्णय के आधार पर उनका भविष्यगामी फैसला होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जरूर तंज कसा और कहा कि वह पहले वाली कांग्रेस नहीं रही और अनुच्छेद 370 पर तो पूरी तरह से भटक गई है। इस रैली के दौरान पूर्व सीएम ने उनकी सरकार आने पर किए जाने वाले कार्यों का ऐलान भी किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आयोजित इस परिवर्तन महारैली को देखकर इस तरफ इशारा जा रहा था कि हुड्डा खुद को ही स्वघोषित सीएम उम्मीदवार साबित करना चाहते हैं। न तो इस महारैली में उन्होंने हाई कमान के किसी भी बड़े और वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण दिया और न ही उनकी सभा में किसी वरिष्ठ और हाई कमान अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गुलाम नबी आजाद की तस्वीरें तक नजर नहीं आई। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी हाईकमान से बुरी तरह से नाराज हैं और वो जल्द ही कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अब इस मुद्दे पर जनता के वोट हथियाना चाहती है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि पार्टी मुद्दे से भटक गई और कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि आज मैं अतीत से आजाद होकर मंच पर आया हूं। आज मैं यहां अपने मन से, आत्मा से और सारी पाबंदियों से मुक्त होकर आपके सामने आया हूं और आपकी लड़ाई लड़ने आए, सारे उनसे मुक्त होकर मैं आया हूं। एक ही बात लेके कि हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, लोगों की सरकार बने, जनहित की सरकार बने। सरकार बनानी है कि बनानी है? मैं सोचता था कि भाई मैं रिटायर हो जाऊं, 72 साल का हो गया, लेकिन ये दशा देखकर मैंने फैसला किया कि आपके एक के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में था, मेरा दादा स्वतंत्र सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी और मेरे को भी मौका मिला, मैंने पूरी सेवा की। लेकिन सरकार कोई ठीक काम करती है कि केंद्र की और हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं गई।
लेकिन लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया। बता दें कि हाई कमान की अनुमति के बगैर खुद महापरिवर्तन रैली का आयोजन कर हुडा ने एक तरह से पार्टी हाई कमान को ललकारा है और दबाव बनाने की भी कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस रैली में कांग्रेस पार्टी के रहते हुए घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो वो हरियाणा की जनता के लिए क्या करने वाले हैं, और यही बात प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को नागवार गुजरी। अशोक तंवर ने इसे पूरी तरह से अनुशासनहीनता करार दिया। तंवर ने कहा कि वह इस मसले पर पार्टी हाईकमान से शिकायत तक करेंगे। उन्होंने रैली में हुडा द्वारा की गई घोषणाओं और उनके द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो को भी सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। हुडा ने महापरिवर्तन रैली में जोश में आकर पार्टी के कुछ विशेष लोगों पर तंज कसते हुए यह दिखा दिया कि वह पार्टी से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और शायद सोनिया गांधी इस बात को समझ चुकी हैं कि हरियाणा में हुडा किस प्रकार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अब तक हुडा को सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं, मगर हाँ, मुलाकात की बात खबरों में जरूर आ रही है। वैसे जानकार और मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी नेतृत्व हरियाणा में चल रही गुटबाजी और खींचतान पर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात के बाद ही हुड्डा के तेवर नरम हुए। बताते हैं कि हुड्डा का शनिवार को ही रोहतक आने का प्रोग्राम था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने इसे बदल दिया। रैली से पहली रात दिल्ली में उनकी प्रदेश प्रभारी आजाद से भी मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान तय हुआ कि हुडा रैली में कांग्रेस छोड़ने या अन्य किसी पार्टी को समर्थन या शामिल होने जैसा फैसला नहीं करेंगे। बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपए, किसानों का कर्जा होगा माफ, 2 एकड़ भूमि वाले किसानों को ट्यूबवेल पर बिजली होगी फ्री, प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान मिलेगा वेतनमान, पुरानी पेंशन नीति होगी बहाल, आंगनवाड़ी मिड डे मील, आशा वर्कर को मिलेगी सरकारी कर्मचारियों के समान भत्ता, बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए मिलेगी सम्मान राशि, 300 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, हरियाणा रोडवेज में महिलाओं की होगी यात्रा मुफ्त, प्रत्येक परिवार को मिलेगा रोजगार, प्रदेश में 75% हरियाणा वासियों के लिए रोजगार आरक्षित, अपराध मुक्त होगा हरियाणा, ग्रुप डी में भर्ती युवाओं को तृतीय श्रेणी में किया जाएगा शामिल, हुडा सेक्टर में एनहेंसमेंट किया जाएगा खत्म, 50,000 सफाई कर्मी भर्ती होंगे। गौरतलब बात है कि जननायक जनता पार्टी के शुभारंभ के दौरान जो शायरी दुष्यंत चौटाला ने कहकर सभी समर्थकों की वाहवाही लूटी थी, वैसे ही अंदाज में हुड्डा भी नजर आए। उन्होंने भी वही शायरी कही जो दुष्यंत ने कही थी। हुड्डा ने शायर वसीम बरेलवी की शायरी कहते हुए अपने भाषण का समापन किया, जिसमें उन्होंने कई संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज जैसे मैंने कहा, हर चीज से मुक्त होकर आया हूं और मैं भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। पहले भी लड़ी हमने, पहले भी जब भी आपने साथ दिया 2005 में, 2005 में क्या कहते थे भाई, इसमें कौन बन देगा, हम साथ तो दे जाए। 2005 में बन गया तो यू कहते इसमें कौन रहने देगा, 6 महीने मटा देंगे, 10 साल चलाई ना, फिर 36 साथ दे दो, 10 साल और नहीं छोड़ू। लेकिन जो डॉक्टर कादजान ने, डॉक्टर चरण सिंह दलाल जी ने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पास करके मेरे को अधिकृत कर दिया कि जो ये फैसला करे, लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता।
क्योंकि उसके साथ भविष्य ये मेरे सामने बैठे इनका जुड़ा हुआ, ये मेरे साथ जो मेरे साथी हैं इनका भविष्य जुड़ा हुआ, अकेला नहीं कर सकता मैं भाई। एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको अनाउंस करूंगा, उसमें सारे तो वो एमएलए 13 जो मेरा साथ देते रहे, 13 के 13 और 12 आदमी और बनाऊंगा जो ये कहेंगे वो करूंगा। देखिए एक बात मैं कहता कहना चाहता हूं, 370 हुआ, देशभक्ति कोई भी हो, देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं मैं, जो ये ऐसा काम करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उनको कहना चाहता हूं, असूलों पर जहां आज आए वहां टकराना जरूरी है, अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट हिसार टुडे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ातरीन खबरें।